आज झामुमो नेत्री कल्पना सुरेन गांडे विधानसभा में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आज झारखंड विधानसभा में सदस्य के रूप में शपथ लेंगी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उन्हें शपथ दिलाएंगे। यही इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस झामुमो राजद के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। शाम 5 बजे का वो समय तय किया गया है जब वो शपथ लेंगी और कल्पना सुरेन को लेकर पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आप खुद सुनिए, कल्पना सुरेन आज शपथ लेंगी और विधानसभा सदस्य के रूप में वो शपथ लेंगी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई है। देखिए रुचि, झामुमो नेत्री कल्पना सुरेन गांडे विधानसभा में जीत दर्ज कर आज शपथ लेने वाली हैं। कितने बजे कार्यक्रम होने वाला है और कौन कौन इस खास कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं? बिल्कुल शिखा, देखिए शाम 5 बजे का वो समय होगा जब वो विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगी और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उन्हें पद एवं गोपनीयता के शपथ जो है वो दिलाने वाले हैं। देखिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, कांग्रेस के हों और राजद कोटे के जो मंत्री हैं उनकी उपस्थिति रहने वाली है। तो ये कल्पना सोरेन की राजनीतिक पारी की शुरुआत है और ऐसे वो सदन में, यह उम्मीद की जा रही है कि सदन में राज्य की बातों को, खास करके जो गांडे विधानसभा है वहां की बातों को सदन के अंदर रखने का पूरा प्रयास करेंगी, वहां की समस्याओं को सदन के पटल पर रखने का पूरा प्रयास करेंगी। और देखिए एक सक्रिय राजनीति जो है, चूंकि हाल ही में उन्होंने यह भी कहा था कि विपरीत परिस्थिति में हमें राजनीति में एंट्री लेनी पड़ी, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया उसके बाद वो राजनीति में सक्रिय हुई है और ऐसे में गांडे विधानसभा की सीट जो है डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा खाली कराई गई थी और उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया था और फिर पुनः वहां से उपचुनाव कराने का जो फैसला है चुनाव आयोग ने लिया। वहां से भाजपा के तरफ से भी उम्मीदवार, यानी कि एनडीए के तरफ से उम्मीदवार और इंडी गठबंधन के तरफ से उम्मीदवार कल्पना सोरेन रही। हालांकि कल्पना सोरेन एक मजबूत नेत्री के रूप में बहुत ही कम समय में उभर कर सामने आई और उन्होंने भारी बहुमत से जीत भी गांडे विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में देखिए उन्हें चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री पद के रूप में भी, यानी कि 12वें मंत्री पद के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, विभागों की जिम्मेवारी जो है वो उन्हें मिलती है और ऐसे में पार्टी आला कमान भी यह मान रही है कि कल्पना सोरेन जो है, चूंकि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उन्होंने बैक टू बैक कई जनसभाएं भी की थी और लोग उन्हें सुनना भी काफ़ी पसंद किए थे, तो ऐसे में उनकी सक्रिय राजनीति से जो एक दिशा और दशा है संगठन की वो बदल सकती है। और आने वाले जिस तरीके से आपने बताया कि हेमंत सोरेन के अनुपस्थिति में जिस तरीके से स्टार प्रचारक बनकर कल्पना सोरेन उभरी और उन्होंने जीत भी दर्ज की है, उसके बाद क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? जेएमएम की तरफ से कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है शपथ के बाद? बिल्कुल, देखिए उन्हें जो केंद्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दी जा सकती है, चूंकि ये जो नेता हैं झामुमो के नेताओं का कहना है कि उनमें एबिलिटी है, उनमें क्षमता है और वो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में हो सकती हैं, लेकिन पूरा निर्णय जो है वो पार्टी के आला कमान को लेना है। दिसोम गुरु सीबू सोरेन के निर्देश पर आगे का कार्य होगा, लेकिन फिलहाल वो विधानसभा सदस्य के रूप में आज शपथ लेने वाली हैं और कैसे विधानसभा में, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा भी है कि हमारा जो सपना है, जो सीबू सोरेन का सपना है कि कैसे आदिवासी मूलवासी का विकास हो सके, एक आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड राज्य को अलग बनाने में उनकी भूमिका रही है, राज्य को आगे बढ़ाया जा सके इसके लिए उनका हमेशा से योगदान रहेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे देश भर में एक आदिवासियों की एक अलग पहचान हो, उनको उनका हक और अधिकार मिले, इसकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य जो है उनके द्वारा किया जाएगा। और ऐसे में देखना होगा कि झारखंड की राजनीति में उनकी सक्रियता और संगठन को कितना आगे लेकर के जाती है। बिल्कुल रुचि, और क्या ये माना जाए कि मील का पत्थर साबित होने वाली है कल्पना सुरेन आगामी दिनों में जेएमएम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल शिखा, सही कहा आपने, जैसे कम समय में, बहुत ही कम समय में उन्होंने झारखंड की राजनीति में हिस्सा लिया और जिस तरीके से वो उभर कर सामने आई, सिर्फ राज्य की राजनीति में ही नहीं पूरे देश भर में, जब इंडिया गठबंधन मजबूती से कहीं भी जनसभाएं हुई,
वहां पर वो अपने इंडिया गठबंधन के तरफ से पक्ष को रखती हुई नजर आई और ऐसे में खास करके झारखंड की राजनीति पर खासा असर जो है, देखिए 5 सीटें जब इंडिया गठबंधन को मिली तो उसमें कल्पना सोरेन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां जहां गई हैं लोगों को, जनता को अपने पक्ष में रखने में वो हद तक सफल रही हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी संगठन के तरफ से यानी दिसोम गुरु शिवो सोरेन के तरफ से भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है। आने वाले दिनों में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कैसे और पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे बेहतर प्रदर्शन हो सके, इसके लिए पार्टी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे सकती है। देखिए वेल एजुकेटेड लेडी तो है ही, शिक्षित है ही, और कैसे लोगों को लोगों तक बातों को पहुंचाना, बातों को रखना, इसमें भी वो निपुण है। देखिए जब कैसे शब्दों पर संयम बरतना है, ये भी बहुत ही बखूबी तरीके से उन्होंने दिखाया है। जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी और परिवार दोनों से बगावत किया था और उन्होंने जो है जब भाजपा को ज्वाइन किया उसके बाद कई ऐसे आरोप लगाए थे, लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा कि पार्टी के तरफ से यानी कि जेएमएम नेत्री कल्पना सोरेन ने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई निजी टिप्पणी करना उचित नहीं समझा और ना ही पार्टी के तरफ से उन्होंने ये सख्त मनाही की थी कि कोई भी उन पर आरोप ना लगाएं, कोई भी उन पर टिप्पणी ना करे। तो एक ये सहनशीलता का जो परिचय है वो उन्होंने सीधे तौर पर दिया था। और आने वाले दिनों में उन्होंने यह भी कहा था, जब कशिश न्यूज से खास बातचीत की थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, तो उन्होंने कहा भी था कि हम वो हर कार्य करेंगे, झारखंडियों के विकास के लिए हर वो कार्य करेंगे, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो हमारी लड़ाई जो है वो आगे जारी रहेगी। और कैसे झारखंड का विकास हो सके, झारखंड पूरे देश में जो है एक अलग स्थान पा सके, इसके लिए हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। और बिल्कुल बिल्कुल रुचि, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार वो एक के बाद एक जनसभाएं कर रही थी और लोग भी उन्हें काफी पसंद कर रहे थे उन्हें सुनना, ऐसे में ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में झारखंड की वो किंग मेकर बनकर उभर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सिखा, सही कहा आपने, आने वाले दिनों में वो किंग मेकर बन करके बिल्कुल उभर सकती हैं। और ये खबरें भी निकल करके आ रही थी कि उन्हें महत्वपूर्ण पद जो है वो दी जाएगी, जिम्मेवारी दी जाएंगी। हालांकि डिप्टी सीएम बनने की नेतृत्व में परिवर्तन की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल पार्टी के तरफ से इस बात से इनकार किया गया है और यह कहा गया है कि जो भी निर्णय होगा वो सामने आएगा, जो आलाकमान निर्णय लेंगे वो सामने आएगा। लेकिन कहीं से दो राय नहीं है, कहीं से कोई डाउट नहीं है कि उनमें वो क्षमता है, उनमें वो एबिलिटी है कि वो अच्छे से संगठन को हैंडल कर सकती हैं, झारखंड और झारखंडियों के विकास को लेकर के और मजबूती से सदन में आवाज उठा सकती हैं, सदन में के पटल पर बातों को रख सकती हैं। तो ऐसे में देखिए जरूर वो किंग मेकर बन करके सामने आ रही हैं, किंग मेकर उभर करके सामने आ रही हैं। और ऐसे में यह भी कहीं से कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से कल्पना सोरेन राजनीति में एंट्री ली और कम समय में ही अपना जगह और अपना स्थान बनाई है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि सिर्फ राज्य की राजनीति में ही नहीं देश की राजनीति में कल्पना सोरेन की भूमिका काफी अहम दिखने बिल्कुल वाली है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है रुचि कि आगामी दिनों में पार्टी में एकजुटता बनाए रखने में और विधानसभा चुनाव की तैयारियां या चुनाव लड़ने के दौरान चुनौतियां काफी बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आगामी दिनों में चुनौतियों का सामना बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही विधानसभा के चुनाव हो या अन्य चुनाव, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं पार्टी के नेता दल बदलते हैं कुछ राजनीतिक फायदे के लिए, तो उन पर एक ये भी जिम्मेवारी होगी कि कैसे पार्टी को जोड़ करके रखना है, कैसे पार्टी को मजबूत करके रखना है। और देखिए यही वजह रही थी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब सीता सोरेन यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाभी ने पार्टी को छोड़ा और पार्टी और परिवार दोनों पर आरोप लगाते हुए जब वो ज्वाइन की थी तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझा और हमेशा वो मीडिया के सवालों को दरकिनार करती रही और कोई भी टिप्पणी नहीं की। तो ऐसे में देखिए इन्होंने बखूबी एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का परिचय दिया कि बिना टिप्पणी किए हुए कैसे जोड़ करके रखा जा सकता है पार्टी को, कैसे और भी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें कैसे और मजबूत करना है, कैसे ले करके चलना है, यानी कि सबको साथ में लेकर के और आगे बढ़ा जाए इसमें। और देखिए विधानसभा में इन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेवारी मिलनी है, यानी कि केंद्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर इन्हें जिम्मेवारी मिल सकती है
तो ऐसे में सांगठनिक जिम्मेवारी के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी अगर जगह मिलती है, कौन से ऐसे विभाग मिलते हैं, तो पूरी की पूरी जो है कैसे राज्य सरकार विकास के कार्यों को, चूंकि आने वाले दिनों में देखिए आगामी दिनों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है वो फिर से शुरू करने वाली है और कई ऐसे कार्य हैं, 100 से अधिक योजनाएं हैं जो कि जनता तक पहुंचाए जाने हैं, तो ऐसे में बहुत कम समय बचा है और कैसे उसे और गति दिया जा सके, कैसे जल्दी जल्दी कार्य हो सके, यानी कि ऐसे जो क्षेत्र जहां का तक लाभ नहीं पहुंचा है, खास करके अबुआ आवास योजना जैसी कई ऐसी योजनाएं जो खास करके राज्य सरकार द्वारा लाई गई हैं, तो उन योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा जाए, हालांकि सारी चीजों को वो भी देख रही हैं, समझ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।